ये बात तो हम सभी जानते हैं कि माँ बनने के बाद अधिकतर औरतें या फीमेल मोटी हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ ऐश्वर्या राय के साथ भी हुआ था। माँ बनने के बाद उनका भी वजन बढ़ गया था और सभी को यही लगा कि ऐश्वर्या राय अब कभी भी दुबली नहीं हो पाएंगी। लेकिन ऐश्वर्या राय न केवल दुबली हुई बल्कि वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐश्वर्या राय ने प्रेगनेंसी के बाद दुबला होने के लिए क्या करा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने दुबली होने के लिए किसी भी जिम या कोई पावर वर्कआउट का सहारा नहीं लिया था। वजन कम करने के लिए उन्होंने बस पावर योगा और डाइट का सहारा लिया और वो दुबली भी हो गई। तो अगर अभी अभी आप माँ बनी हैं या आपका वजन ज्यादा है तो आपको सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी और उसके साथ ही आपको अपनी डाइट पर ध्यान रखना होगा और आपका वजन कम हो जाएगा। अगर आप पावर योगा कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये सीखना चाहती हैं कि पावर योगा कैसे करें तो उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दी है, वहाँ आपको पावर योगा की ट्यूटोरियल मिल जाएगी। पावर योगा के साथ ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको हर रोज कम से कम 5 किलोमीटर की दौड़ भी लगाना चाहिए। जी हाँ, ये थोड़ा मुश्किल काम है, खासतौर पर तब जब आपके पास एक बच्चे की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आपको दौड़ लगाना शुरू कर देना चाहिए और फिर आपके लिए वजन कम करना आसान हो जाएगा। बस रनिंग के लिए आप ये ध्यान रखिए कि आप अच्छी क्वालिटी के जूते पहनकर ही रनिंग करें। आपकी मदद के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी है जो आपको सही जूते खरीदने में मदद कर सकती है। पावर योगा और रनिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो है सही डाइट लेना। ऐश्वर्या अपने खाने में सुबह नाश्ते के वक्त ब्राउन ब्रेड और ओट लिया करती थी। अगर आप भी वजन कम करना चाहती हैं तो आपको भी अपने सुबह के नाश्ते में ओट्स को शामिल कर लेना चाहिए। ओट्स में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो कि आपका वजन कम करने में आपकी बहुत मदद करता है। साथ ही आपके शरीर को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो भी मिलते रहते हैं, यानी कि आपका वजन तो कम होता ही है लेकिन आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता। आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप चाय या कॉफी को पूरी तरह से ना कर दें। अगर आप चाहें तो ग्रीन टी पी सकती हैं, लेकिन दूध और शक्कर वाली चाय या कॉफी को पूरी तरह से ना करना होगा। दूसरी बात, आप लंच में हल्का खाना खाइए। अगर आप उबली सब्जियां खा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। उबली सब्जियों का फायदा ये होता है कि आपको सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है और आप जरा भी फैट नहीं लेते। साथ ही जो कैलोरीज आप लेते हैं वो सिर्फ हेल्दी कैलोरीज होती हैं और आपका वजन नहीं बढ़ता। अगर आप चाहें तो उबली सब्जियों के साथ दाल और रोटी भी खा सकती हैं, लेकिन कोशिश करिए दाल और सब्जियां ज्यादा हो और रोटी कम। अब अगर आपको शाम को 4 या 5 बजे भूख लगती है तो आप मसाला ओट्स खा सकते हैं, या आप सलाद खा सकते हैं, या फिर आप फ्रूट्स ले सकते हैं, पर आप कोशिश करिए कि चाय, कॉफी या शक्कर वाले जूस को पूरी तरह से ना कर दें। आप चाहें तो शाम को भी ग्रीन टी पी सकती हैं। ग्रीन टी खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐश्वर्या राय रात को कभी भी खाने में कोई हैवी चीज नहीं खाती थी। वो अपने रात के खाने में फिश और ब्राउन राइस लेना पसंद करती थी। आप भी अपने रात के खाने में इन दोनों डिशेज को ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप सलाद खाइए, वो और ज्यादा फायदा देगा। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप सलाद में कोई भी फैट वाली ड्रेसिंग ना डालें, और जब आप रात का खाना खाएं तो सोने के 4 घंटे पहले ही खाना खा लीजिए ताकि आपका खाना पूरे अच्छी तरह से हजम हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इन तरीकों को अपना लेती हैं तो ऐश्वर्या राय की तरह ही आप भी अपना वजन कम करने में कामयाब हो जाएंगी और आप भी उनकी ही तरह अपनी खूबसूरती और परफेक्ट फिगर को वापस पा लेंगी। तो अब आप एफर्ट्स करिए अपने वजन को घटाने के लिए और इसके बाद मुझे बताइए इन तरीकों का आपको फायदा हुआ कि नहीं। पर जाने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।